वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा रामिया प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 फरवरी 1994 को साय लगभग 3:30 बजे खेड़ापा में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्तम जन्म भर में ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है जैसा आज हम लोगों को मिला है। जैसे 84 लाख जोनी में एक मनुष्य शरीर है, ऐसे मनुष्य शरीर के जीवन में एक सत्संग का मौका है। और सत्संग का मौका भी फिर जिसमें
रामचरित्र का सामूहिक पाठ बड़े प्रेम से बड़े उत्साह से लोग कर रहे हैं, बहुत से भाई बहन सुन रहे हैं, ऐसा ही बड़ा सुंदर अवसर मिला है। तो भगवान की कृपा माननी चाहिए और इस स्थल पर अपना मन लगा देना चाहिए भगवान ने, और कहना चाहिए भगवान हम आपके हैं, ये एक सार बात है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मेरे से ही तो पैदा हुए हैं, मैंने ही पैदा किए हैं और सभी मेरे को प्यारे हैं, तो भगवान की तरफ से तो कमी है नहीं। अपनी तरफ से क्या हुआ है वो ध्यान देकर सुने, उसका सुधार करना है। हम संसार की जो नाशवान वस्तु है उनकी तरफ तो दृष्टि डालते हैं, महत्ता देते हैं कि रुपये बढ़िया चीज है, कुटुंब बड़ा बढ़िया चीज है, मान बड़ा ही बढ़िया चीज है, निरोगता बड़ी चीज है, शरीर बना रहे बड़ी चीज है, रहने वाला एक भी नहीं है, सब खत्म होने वाला है। जो रहने वाले परमात्मा है उधर से विमुख हो रहे हैं, ये अपनी गलती है, वो भगवान की नहीं है। जीव जो परमात्मा से विमुख हुआ है ये खुद की गलती है, ना कोई भगवान की की हुई है, नहीं कोई कर्म से है, ना कोई कलयुग के आ जाने से है, नहीं कोई भाग्य से है, ये तो अपनी जान करके अभी की हुई ये विमुखता है। पदार्थों को रुपयों को महत्व देते हैं, जो कि आपके कमाए हुए हैं रुपये आप कमाते हो, आपको रुपये पैदा नहीं करते हैं, ये याद रखो, मामूली बात दिखती पर याद रखने की है। आपके रुपये माँ बाप नहीं हो आप रुपये माँ बाप हो, रुपये आपके माँ बाप नहीं है, रुपयों ने आपको पैदा नहीं किया है, रुपयों को आपने कमाया है, उनके मोह में इतने फंस गए, न धर्म को मानते हैं, न ईश्वर को मानते हैं, न भाग्य को मानते हैं, न अपने इष्ट को मानते हैं। भगत पर राम जी की महिमा कर देते हैं, सब मालिक भगवान है, परंतु आपके हृदय का मालिक कौन है? रुपये। हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, ये कोई मनुष्यपन है? रुपया कमाओ अच्छी तरह से लगाओ, मिल जाए जितना अच्छा, न मिले तो कोई बात नहीं है, निर्वाह मात्र करो, अधिक रुपये तो काम धंधे में लगाओ, सेवा में लगाओ, ये दान पुण्य कर देना, बड़ा भारी रुपये से काम करना, ये कोई रुपयों का महत्व नहीं है, ये तो एक टैक्स है, टैक्स दे रहा है कोई महिमा थोड़ी, राज में इतना टैक्स दिया हमने, महिमा तो भगवत भजन की है। रुपयों की महिमा मानना, रुपयों को महत्व देना, ये भगवान का और मनुष्य जन्म का तिरस्कार है, ये अपमान है। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया, उस मानव शरीर को गिनता ही गिनना ही नहीं, रुपयों की गिनना कहां? शास्त्र में ऐसा आया है कि रुपये बड़े दुर्लभ है, साहब दुर्लभ मांसो देह लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदं बहुसंभवान्ते, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मोक्षत्वम् महापुरुष संशयः। ये चीज दुर्लभ है, मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर मिलने पर मेरा कल्याण हो जाए ऐसी बात दुर्लभ है, और ऐसी मिलने पर वास्तव कल्याण करने वाले महापुरुषों का संग, ये तीन चीज बहुत दुर्लभ है, श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं। ऐसी दुर्लभ चीजों को प्राप्त करके और नीच चीजों में चले गए। आपको आश्चर्य होगा, पहले कहा फिर भी कहता हूँ, सबसे रद्दी पैसा है, सिक्का सबसे रद्दी है, आपको नई बात दिखेगी। क्यों नहीं देखती है कि आप एक रंग चढ़ा हुआ रुपया 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 कहते मजा रुपये बना, ऐसे ऐसा काम कैसे हो, तो बात ठीक है, रुपये बना कैसे हो, तो कैसे कर, क्यों करना है सब, ऐसा काम करना ही क्यों है, अब राम राम करो,
जो संत महात्मा हुए हैं उन्हें ऐसा काम करने से हुए पड़े। रुपया है तो ऐसा काम करो, ये कोई बात थोड़ी ऐसा काम रुपया में नहीं, रुपयों को महत्व देना। बम्बई जाना का मेरे काम पड़ा, उसमें अकाल पड़ा हुआ था मारवाड़ में। मैंने उनमें कहा कि भाई आप लोग धनी आदमी हो, अगर आप चाहो तो गौओं का प्रबंध कर सकते हो। गाय फंस जाएगी, नहीं गाय मर जाएगी, रुपये आपके पड़े रहेंगे, फायदा क्या निकालोगे। ऐसी बात कही तो लोगों ने मेरे को सलाह दी कि आप ऐसा करो कि धनी आदमियों को इकट्ठा करो और उनसे ये बात कहो, और जो सत्संग होता है उसमें रुपयों की पेटी रख दो, दो पेटी में डालते रहे, फिर रुपये से गायों की रक्षा हो जाए। मैंने कहा मैं यहाँ पर रुपयों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने ईश्वर और धर्म का महत्व बढ़ाना चाहता हूँ। रुपयों का महत्व बढ़ेगा, स्वामी जी भी देखो रुपये ही बात कहते हैं, रुपया लाओगे। मैं तो आपको सूझ देता हूँ, आप पतन की तरफ जोरों से जा रहे हो, जिससे कुछ बच जाओ ये बात कह रहा हूँ। मैं रुपयों को महत्व नहीं दे रहा हूँ, और मैं ही आयोजन करूंगा, धनियों को बुलाऊंगा, धनियों को साथ कर दो तो वे करो। मैं कभी नहीं बुलाता किसी को, कहता नहीं तुम रुपये दो, उम्र में नहीं कहा कि तुम रुपया दे दे मेरे को। रुपये कोई बड़ी चीज है, रुपयों का महत्व देना है, ये रुपयों को बुलाना, रुपये रुपये रख देना, लेना रुपयों नहीं रुपयों देना है। रुपया हो जाता है गौ की रक्षा होगी, गौ की रक्षा होनी स्थिति हो ही जाएगी, और मरने से मर ही जाएगी, और आप अपने पुण्य से वंचित रह ही जाओगे। और आपको सूझ देता हूँ, मौका है असिर से कुंभ उठा लो, मेरी क्या मरते रुपयों से, क्या तुम्हारे से, क्या गायों से, क्या संसार से। ऐसे ही कलकत्ता में बात चली तो उसमें कहा आप ऐसे करो तो लोगों को समझाओ और कहो रुपया। मैंने कहा आपके मन में रुपयों की महत्व है, रुपयों का मैं कहूं मैं कसाई पना नहीं करता हूं, मैं एक साधु वेश में हूं, मेरे में साधुता होनी चाहिए जैसी कमी मैं मानता हूं, परंतु कसाई पना मैं नहीं करता। रुपयों का कहना है लोगों ने कलेजे में छुरी चलाना है, कालजे में छुरी चलाना है, कसाई पना मेरे से नहीं होगा। लोग कहते रुपये हाथरू महल है, हाथरू महल है कालेजरी, कालजरी कौन है, जो रुपये कहना है कालजे में छुरी मारती छुरी, ऐसा कसाई पना मेरे से नहीं होगा। मैं तो एक सूझ देता हूँ कि मौका है चेत कर जाओ, अपने रुपयों को करो सिर्फ। बम्बई में एक आदमी ने कहा कि मेरे लाख रुपये का लगाता है, लगाना है, और लाख रुपये लगाना तुम्हें बताओ उपाय, जाओ आप बार बार में और गायों को देखो, घास लेके सामने चराओ, उससे जो लाभ होगा, यहाँ से 10 लाख कह दो, 2 लाख रुपये कह दो, पाप पुण्य नहीं होगा इतना, वहाँ गायों को देखो को चराओगे दर्शन कर लोगे तो जो पुण्य होगा, या रुपया दर्शन को पुण्य नहीं होगा। असल में क्या रुपये दे दिए हमने, गायों घास चलती देखो तो आप राजी हो जाओगे, आप गए वो खुद गए, फिर तुम जाओ, हम क्यों कहें किसको दे दो, क्या दे दो, क्यों लगा दो, अगर मेरे उपाय पूछो जाओ देखो गांव में फिरो, वहाँ गायों की क्या दशा हो रही है, और स्वयं रुपये खर्च करके गायों की सहायता करो तो अंतकरण निर्मल होगा, रुपयों से कोई निर्मल हो जाएगा अंतकरण। आप सोचते नहीं होगे क्या चीज है धर्म, क्या चीज है ईश्वर, क्या चीज है सत्संगति, क्या है होश, नहीं है होश, बेहोशी में दिन जा रहे हैं। सज्जनों थोड़ा चेत करो, होश में आओ, ख्याल करो इस तरफ, मार जोरों से प्रवाह की प्रवाह बह रहा है, सब का सब काल में जा रहा है, सब का सब जैसे समुद्र में जब नदिया ऐसे सब काल के काल में जबरात किया जा रहे हैं जोर से। बचो भाइयों बहनों, भगवान में लगो, भगवान के जस गाओ, भगवान के गुण गाओ, रामायण जी का पाठ करो, मस्त हो करो, निहाल हो जाओगे, रुपयों से निहाल हो जाओगे। धनी आदमी लखपति करोड़पति उनके नौकर रहते हैं 15-20-50 रुपया में, 100-200-500 में, 1000-2000 में, ऐसे नौकर रहते हैं।
ये नौकर आपस में बात करते हैं कि क्या करें, मजदूरी करनी पड़ती है, नहीं तो ये सेठ का मुंह नहीं देखे हम, ऐसे आपस में बात करते हैं। जैसे जीविका चलती है, कुटुंब पालन होता है, उनके प्रति ये दशा है, और एक कौड़ी उम्र में कभी दिया नहीं, और भजन ध्यान में रात दिन रहते हैं, कहते इनको दर्शन करो तो हमारा कल्याण हो जाए। आपसे जीव का पढ़ने वाले लोगों में ये भाव है। मैंने दोनों बात कही, शेठ को देख कहते शेठ का मुंह नहीं देखे पर करें क्या, और कहते शेठ बात अच्छे अच्छे बच्चों अकल नहीं है, ये पंडित जी इनमें विद्या तो अच्छी है मन अकल नहीं है, भजन सुनने को नहीं कहते देखो हमारा इनमें अकल नहीं है भजन करते, या तो आप देखो तो सही, कहीं किसी देश में जाते हो रुपये मिल जाते हैं तो सफल हो जाते हो कि हमारा जीवन सफल हो गया, यात्रा सफल हो गई, और भजन ध्यान का मौका मिल जाए, संतों के दर्शन मिल जाए और ऐसा मौका मिल जाए तो कहते रुपये सफल हो गए। जिन रुपयों से आप अपना सफल जीवन मानते हो वे रुपया खर्च करने से आप सफल होते हो, और मानते हो रुपयों से अपनी सफलता, कहां सफलता हो, आप थोड़ा थोड़ा सोचो, आप विचार करो, आपके हृदय में महत्व किस बात का है, भगवान नहीं मिलते, भगवान के दर्शन नहीं होते, रुपयों के दर्शन होते हैं ना, रुपयों को महत्व दे दो दर्शन होते हैं, पर दर्शन ही होते हैं, मिलेगा कुछ नहीं जयराम जी की, और महात्मा अगर दर्शन हो जाए तो निहाल हो जाओ, अंदर निर्मल हो जाओ, कल्याण हो जाओ, ऐसे दर्शनों से पतन होता है, पतन, रुपयों को महत्व देते हैं, उनकी दशा ये होती है। एक कहानी आ गई बीच में याद आ गई, कह देता हूँ। चार चोर थे, डाका भी डालते चोरी भी कर लेते, तो हो गए देखा तो उधर एक साधु भागता आ रहा है, भागे ठाई मां ठाई मां, रक्षा करो भागा जा रहे, बाबा जी क्या है, कही भाई ढोली डाकड़ है, ढोली ढोली डाकड़, सफेद डाकर बैठी आ गए खा जाएगी वो, मैं तो जाऊ भाई मारे पेट सुधार, मैं तो आया हूँ, वे के मैं तो ना मारे दंडम तो है तलवार है, सुबह से मारे क्या कर सके, आगे देखो तो रुपये ढेर पड़ी, पंद्रह रुपया टन टन बोलने वाला ढेर ही पड़ी, कहते भूल गए डाकड़ बैठी दौड़ी डाकड़ बैठी आ गई, मैं तो भाई डर गया मूर्ख आदमी रुपया ले लिया, और बस क्या भाई अब भूख लगोड़ी है, दो आदमी जाओ शहर में जाओ जितने से चीज अमृत ले आओ और भोजन करेंगे फिर अगर जाएंगे, अब समय हो गया रोटी नहीं मिली अभी, तो दो आदमी गए अच्छे से भोजन कर लिया अपना और भोजन की सामग्री ले ली, और विचार किया कि इतने रुपये है जिसमें है हमारे को एक एक चौथी चौथी बात मिलेगी, क्योंकि चार बार अपना सामान मिलेगा, अगर हमारा ही को दो को मिल जाएगी तब तो बस आधे रुपया भर ले लेंगे, और दो अगर मिलेंगे दो को मिलेंगे चार भाग हो जाएगा, तो जितना भी था ना भोजन का उसमें शेयर खा दिया सब में, बस एक खाते पहुंच जाएंगे एक रुपया भर मिल जाएगा, उन दो विचार किया बैठा बैठा कभी चार भोजन ले रहा है और वे रुपया रहे तो चार पांतियों से अब दो ही रहो तो दो पांतियों से तो आओ तो भरी बंद हो गई पौट गया वही अब भोजन में क्या खाया गया तो खाए पौट गया चारों में खा गई डाकर बाबा जी के धोड़ी अगर बैठी भाई खा जाएगी तो मैं तो भाग रहा हूँ खत्म हो गया रुपये ही पड़ गए यो रुपया पड़ा रहेगा रात धोड़ की डाकर खा जाएगी आज तो दौड़ के डगन करे आज तो कागज है कागज तूड़ी लगा तो खत्म हो जाए ये आज धनवत्ता है करोड़पति है लखपति है ये दशा है भाई हो सजनो कृपा करो भगवान में लगो सच्चा धन है कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं को धनवंता सोई जाड़िया जाके राम नाम धन हो कैसे धन है स्वतंत्रता है इसमें राम दड़ी सौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नहीं सुनता जीते सो ले जाए मर जाए उसे ले जाए धन के लिए आवश्यकता ही पैदा न करना मनुष्य की मनुष्यता ये है हमारे आवश्यकता है अन्न और जल वस्त्र
ये तीन चीज तो पहले रहती है, पीछे शरीर मिला है, जन्म अपना हुआ है, जिस माँ से आपका मेरा सबका बहनों का भाइयों का, तो जन्म पीछे हुआ है, दूध पहले आया है माँ के, प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर, तो सही चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। बालक जब पैदा होता है तो माँ का पहला दूध पाते नहीं है, पहले उसको निकाल देते खीला, जो कई दिनों का पड़ा हुआ करना पड़ जाता है वो दूध, उसको निकाल करके और निगरा करके फिर ताजा दूध बच्चे को देते हैं, बच्चे को तो मर जाए वो, तो प्रारब्ध पहले रहता दूध पहले पाता है, पीछे सही मिलता है, चिंता करते हैं। दादू दुनिया बावली सोच करे है गली, रोटी दसी राम जी दो पानों पहल दी, रोटी गमी है क्या, सब दे रोटी मिले थे, पैसा जोड़े मने मन ही मिले था नहीं मिले, ए दाव डंडा संस्कार ये दुनिया में रहने वाले उन्द्रार लंकड़ियों या श्यालियार शेला सुआर सड़ सब तरह पेट भरे जीवे है, पीढ़िया चले आज तक, अरे कुत्ता रोटी खावे है, जो रामचंद्र जी समय शारदा कुचारी कथा आवे लाखों वर्ष हो गए, अभी तक वहां पीढ़ी चली है, ना वहां को खेती है, ना दलाली है, ना दुकानदारी है, ना वहां नौकरी है, ना कोई कुमार नहीं है, रोटी खावे है, जीव है, पीढ़ी चले आज तक, होश नहीं है, देने वाला तो भगवान है, मैं कमा लू मैं कर लू क्या कर लेने, तो बंद हो गए मैं धन करूं करूं गुमान, साई हाथ कतर नहीं ला कहला गुमान कितने बढ़ जाओ बोले, कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ, रुपयों से निहाल हो गया हो, पदार्थों से भोगों से निहाल हो गया हो, आप भूलो मत भाई, जरा विचार करो थोड़ा, अब भगवान में सचे लगे तो रुपये थोड़ा पीछे दौड़े जब पीछे, आज रुपये बड़े दिखते हैं, आप भजन नहीं करते, भगवान का भजन करते नहीं, इस बात रुपये बढ़ दीजिए, भजन में मन लग जाए तो रुपये तुष्ट दिखेगा, रुपयों वाले लाखों लाखों करोड़ों रुपयों वाले राजा महाराजा संतों के वहाँ चरणों में गिरते हैं, नमस्कार करते हैं और मांगते हैं, और संत वृक्ष त्यागी रुपयों से मांगते नहीं है, उनकी गर्ज नहीं है, जो भजन में लग जाए, कितना कीमती समय भजन में लगना चाहिए वो रुपये में लगा रहे हो, झूठ अकपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके रुपया कमाते हो, पाप तो सबका सब पाप तो संचय होगा अंतकरण में, रुपये हो गए बैंकों में अलमारियों में तिजोरियों में पाकटों में, मरोगे तब रुपया कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, वो धरेगा पड़ेगा काम दूतों से, धरेंगे मार दूतों से, गुरुद्वारे घमसान टूट दिया लिटाट, ये याद रखो, राम जी को याद करो तो इससे बच जाओगे, नहीं तो कोई बचाने वाला है नहीं, अभी से नारायण वृद्ध राज कुमार सु बैग ही कर पहचान, जल्दी जल्दी कर ले, क्या जाने कभी कल ही मौत आ जाए, आज आ जाए पता है, तो भगवान का भजन कर लो बड़ी अच्छी बात है, सोई नर चतुर है जो राम भजन लोलीन, पर धन और परम हरण को वैश्य भी परवीन, वैश्य होती है वो दूसरे मन को खेच लेती है, धन को खेच लेती है, आप भी धन ज्यादा खेच लोगे तो वैश्य की पदवी आपको मिल जाएगी, क्या वैश्य की पदवा के लिए आप आए हो, क्या विचार करते हो आप, भाइयों बहनों मौका मिला है मनुष्य जन्म का, इस मनुष्य जन्म को सफल करो, सीधी शादी राम 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 राम, संत गए मुक्ति मुंडे में सारे सर मुंडे में मुक्ति, राम 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 राम, रात दिन जुगत बताओ जाल जी मुक्त होने की बात, के मिट जा जी ओ माल जी राम लुटो दिन रात, राम 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 राम, रात दिन कद काम धंधो हाथ काम मुख राम है, हृदय साची की बीत आसो काम कर से कर्म करो भी नाना मन राम मन रखो जाम कृपा निधाना, हाथ काम और मुख राम है हृदय साची पीत, दरिया गृहस्थी सादगी आई उत्तम रीत, ये उत्तम रीत है संतों की, ये संत है गृहस्थी संत है वो जो राम राम करते हैं, भगवान में लग जाए वो संत,
वेश भी धारण करने से क्या हुआ, जो भगवान नहीं लगा वो वेश से टुकड़ा नहीं सोता, ऊपर एक शरीर के ऊपर कपड़ा दे तो शरीर का निर्वाह हो जाएगा और मन ऊपर तो मन पवित्र हो जाएगा। तो सच्चे जैसे भाइयों बहनों भगवान में लगो, भगवान के नाम का जप करो, या ये पाठ हो गया पाठ करो। जो भाई आज पाठ करते हैं उनको चाहिए पहले 3 दिन का पाठ कर ले वे, उसके बाद साथ में करे, और पीछे आए तो पहले उसमें पाठ करे। अभी किसी जड़े का काम हो तो इतना पाठ कर लिया, इतना पाठ फेंक जाता वो घर पर कर ले, नवा पाठ में कमी नहीं रखे। ये असली धन कमा लेना है साथ में, और साथ बैठ 9 दिन करे तो कहेंगे सोनो सुगंध। अकेला पाठ करे तो कितने साथ में मिलता है, सब भाई बहन सुने उसमें हम लोग करे, ऐसा मौका सुंदर मिला है। इस पूर्णम यथेतन प्रत्येत निवृत्यो यावत निश्रेषाय विषय कर सर्वदस्यात्। पूर्णम यह जल्दी से जल्दी नियतन करो निश्रेषाय, क्यों विषय कर सर्वदस्यात्। विषय भोग तो सर मिलेगा, निद्रा भोजन भोग भय ए पशु पुरुष समान। निद्रा भोजन भोग भय ये तो पशुओं में, पक्षियों में, यह मनुष्यों में, यह सब में है। भजन करने की विलक्षणता मनुष्य में है, वो नहीं कर सके दूसरा, और वो मौका है नहीं। और ये तो चूक गया भजन, फिर करेंगे तो फिर क्या करोगे, राम नाम सत बोलेगी भी से। तो इस वास्ते यहाँ स्वस्थ वेदम करे हमारे गृह, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है और इंद्रियों की और शरीर की शक्ति है, तभी तक भजन में लग जाओ। प्रदीप दे भवने तो कुआ करना प्रत्यव की दिशा, जब आग लग जाएगी कुआ करो, कुआ क्या करो, कुआ खोदो जल्दी पानी में आग बुझाओ, राख उड़ जाएगी कुआ खुद जीते तो बुझाओगी क्या। अभी तैयार हो तो वो काम आवेगा, तो पहले करो तो ठीक होता, नहीं तो भाई खतरा है। सावधान हो जाओ, सावचेत सावधान, खबरदार खबरदार, राम नाम के मोर से खबरदार न रहो, चला जाए वैकुंठ में पलान पकड़े कोई, खबरदार रखो सावधान रहो। जागत नगरी में चोर लागे जख मारे ला जूता, जख मारे ला जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता। जागत नगरी में जागरण क्या, राम 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 जागृत है नागर, जागत नगरी में चोर लागे नहीं तो वो जोर जोर है पीछे। स्वास्थ्य कृपा करो, राम पाठ करो, पाठ के सिवाय हर समय राम 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 आदत डालो, 9 दिन में जो उम्र भर राम राम न छूटे। कितनी पीढ़ियां हो गई, अगर वही होता तो वही रहते सदा, तो वे नहीं रहे तो आप इतना कहीं पक्का हो। मारवाड़ी भाषा बोलू हुई टणकाई है आप में। तो इतनी बात याद रखो कि जैसे हम यहाँ पर आए हैं, ऐसे ही अपने अपने घरों में भी बहनों माताओं आई हुआ, और एक भाई लोग है जो जन्म करके आया है, अरे जानो सुनो ही पड़ सी। अब अच्छा था भीड़ थोड़ी लगा दे, डर लगा रहे वोट ही। मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम कहते ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यू ठोटोरा गेला, कर आगा ने ठोटा ठकुन रेवन देला, और लख दौरा सी जोड़ में रुड़ तो फिर सी जीव। मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, तो जैसे अभी राम धाम में आए हैं और बड़े आदर से रहते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, सुनते हैं, सत्संग करते हैं, खाते पीते आराम करते हैं, परंतु भीतर में जची हुई है कि हमारा ये देश नहीं है। ऐसे जिन घरों में आप रहते हो उन घरों में आप ऐसे ही थे मान लो। मैं कृपा करके आपके सामने हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मेरी प्रार्थना से ये मान लो कि जिन घरों में रहते उन घरों में सदा रहेंगे, ये नहीं मत मानना। सच्ची बात है, झूठी बात मैंने कह दी, मारो कान पकड़वा झूठे बोल दू, सदा ही रह सको घर में, जिन घरों में आप रहे वो हो सदा ही रह सको घर में, थोड़ा खाली करो ही को नहीं, पर जब आप बाल बच्चा कट रहे आने वाला ठीक उठे रोकन बैठ जाओ।
आने वाले दृष्टि चले खाली करो साहब, तो मन से पहले ही कर दो अपने। देखो जबरदस्ती निकाल देना भाई दुख, अरे अपने आप चला जाए दुख नहीं होनी। साधु बन करके गुफा में रहे, शिवराज गुफा में रहता तो गुफा में रहते में कोई दुख ही हो नहीं, पर कोई रोड़ दे गुफा बताओ दे बारे बार जान दे ही नहीं तो दुख हो जाए। बात तो एक ही है, गुफा में बैठे बटन बैठे रहो चाहे बारे ताव लगाए दो, पर ताल लगाए तो समझ लगे परवश हो गया परतंत्र हो गया भाई, खुशी से बैठा भजन करा एकांत। तो दोनों बातें एक ही है, एक दिन जाना ही पड़ सी पग फैलाओ और स्पष्ट जाओ तो दवाई बोलेंगे तो लोग रण गिला नहीं फर्जी थी कर निकाला था रहने के रिवाज नहीं कैसा रहोगा। कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हाल तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ सिरकार से यही रिवाज रही है रीत आई है। रीत बिगाड़ो थे भगवान राम जी आवे रीत को बिगाड़े नहीं, कृष्ण भगवान आवे रीत को बिगड़े नहीं। चलो भाई अभी तक दम गया चलो अरे रीत मत बिगाड़ो, तो इतने लोग रीत होते रीत बिगाड़ दे लो ऐसी ताकत तो पहले से ठीक हो जाए। वर्जनता स्वातंत्र्यात् अपनी स्वतंत्रता चला जाए, मैं रखना चाहूं तो अतुल परिताप आए मनुष्य चला गया घर का बूढ़ा बड़ा जगह चला गया आराम देने वाला घर काम करने वाला प्रबंध करने वाला तो अतुल परिताप आए मनुष्य बड़ा संताप हो गए। तो संताप हो सी और स्वयं चलता ये थे समानंदम थी और आप स्वयं छोड़ दो कैसा मैं तो कुरान अठारह महा बोले साधु हो जाओ ना। वे साधु भी घर पर दया कर रहे है माँ बाप से मिलने में चला जाओ पर तुम्हें ये माने है कि आप मेरे अरे मेरा ना वाला नहीं है सदृष्टि मेरे बारे साधु तो वे चाहे तो अंत को है नहीं ऐसा कोई काट दे घर में से तो मैंने काट दे काट दे तो पग क्यों फंसाओ थोड़ा चला रहो नहीं क्यों सुनवाई करो वो छोटा मत बना तो दया दया सुधर डरो समझा लड़ा झगड़ा करो हक जमाओ कोई फाद काटो सीधी सारी बात है बैठा खूब बोल से रोज से सवरे हो रहे हो ये सेवा करो तो जाने पर भी लोग याद करेंगे बोले अच्छा आदमी हमारा दे देता करता अरे फिर जाओ से मारी जमीन है मारी जमीन है मारो अरे कितना दिन है थानो आज जमीन कितना दिन है थोड़ा दिन नहीं क्यों मार दो बनाओ बताओ अंत में जानो तो पड़सी आ तो साथ ढूंढने वाली है अजाने वाली है कौन लोगों का मन तो आवड़े को नहीं मन तो आवड़े को नहीं बीमार हो मन तो आवड़े को नहीं परेशान तो नहीं फिर मन तो आवड़े को नहीं मन को लगे बीमार तो अरे मन नहीं लागू चाहिए आगे जानो है बैठे किसी ना मुसाफिर हुए थे बैठा हो मौज से वो तो आवे तो मन कैसे लगे मैंने आगे जानो है डर कुछ के ऐसे थे कोई भी थे कि मैं कोई साधु हो सा ग्रस्त हो भाई हो सा बहन हो रण नहीं हो वो जानो पड़ेगा भाई तो पहले से आप ठीक रखे। एक जाट था तो जाट जाट ने आज में आती थी खटपट खटपट होती कई बार तो वो जाट नहीं कहती कि थारे रे वो गोली में सारे रे बोला ही नहीं हूँ चले जाऊला सारे नहीं रे बोला तो कई दिन वे थका धागो बेचारे एक दिन वो आयो खेत सू देख मैं तो आज ही जाऊ जिसे कल चले ही जाऊंगी मैं नहीं रो रहा था जाट देखो का बहुत जासी थे आ तो चली जा रही हो चली जासी माल नहीं जासी अपनो कि एक बेचारी लुगाई ने रोटी कपड़ा नहीं दे सको चलेगी तो माल नहीं जासी चलो घर में कोठे पर उस भेदो मार और टेलीफोन होगा उन्होंने पहले हमारे गाय गम गई हमारी बछली गम गई है गांव में लोग कर देते सब कोई नहीं लाती हुई तो बता दी और टेलीफोन दस ली गांव
सुनो भाई, रात का सोलह आ जाए घर पर, कहता हूँ तेरा काम होगा ठीक, बिल्कुल अशुभ आदमी करो। सुनो भाई, सुना सुन लो। हाँ भाई, क्या सुना भाई? कि देखो, मैं भाई लुगाई ने काट दी है, अब रात रात बेचारी बड़ा कटे रात रात बैठी है, सुबह ऑफिस रह जाएगी। मैं काट दी है इस बात से मारो नोरो मत कर जो तेरा को करते शिकायत मांगा जो कह दू रखो रखो, मैं रखो ना नहीं फिर थोड़ा मारना जावेला कुरु ही के मेरे को मन को मन ही बोली मैं नहीं रखू ना इन्हें चलो मार दियो। तो जाने वाली राख दियो गई तो कहीं मारना तो रह क्यों ऐसे थे विचार करो मैं नहीं रहा मैं रवा ही नहीं हूँ मैं तो जमा लाई सची बात जानू तो पड़ेगा ही महाराज रहने वाला कैसे हो। अरे एक संत बोलिया कि मैं रह रहा हूँ रहन रो कोई बोल नहीं सब जाने ही जाने जा रहे मैं तो रह रहा हूँ रहना की कभी ठेक नहीं रह रहा हो गया मैं तो जान रहा थे रह रहा जानो परेशान रहना और खड़ा पर और चिंता लो भले शाय पर रहो जानो तो पर थी नाव कह दो नहीं रह रहा हूँ रीत नहीं है सरकार रही रिवाज रही आ बात याद रखो ऐसे याद कर दो पक्के सच्ची बात है डेरा लगाओ ही मत समझे मत भूले मनमोह में भालू भजरे पीव क्यों बैठो सग्राम ते ऊँडी देख रहे नीव संत के ऊँडी देख रहे नहीं है यहाँ फुटोड़ा गेला ये फुटोड़ा तारा यहाँ फूट गया भोग न फुटोड़ा सारा हट बैठो निश्चिंत होकर डेरा लगा ऊँडी नींव देकर कर आगवा ने छोड़ अब कुंडे मुंडे ला कटे कुंडे कर दे जी आगे छोड़ कर दे जानो तो पाई जरूरी तो नारायण ब्रजराज को शो बह गई कर पहचान भगवान से पहचान करो सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद कहो रे कहो फेरिए पूर्ण परमानंद कोई काम है कोई धंधो है पर्दो सदा इधर से मुखड़ी बहुत तैयार रहेगी लाइक चट चल गया नहीं तो वो लोट रह गई हुआ जूते उठे रह गई कपड़ा सुखा उठ रह गया अब और बैठ गया वही गाड़ी चलेगी भाई फिर सभी हुई रह जाएगा तो पहले पहले अपनी तैयारी कर लो कैसे कर लो जैसे यहाँ बैठे हो आए हो कि नौ दिन मान नवा करेंगे नवा करके फिर चल जाएंगे तो आप भी चल जाओ हम भी चले जाएंगे हम कौन से यहाँ बैठे रहेंगे ऐसे थे और मेरा बहुत जाने वाला ना तो आप बात पक्की समझ लो अपन जाना है जाने वाला ही हाँ में रहने वाला हाँ ही नहीं देव लगाई मत क्यों बोलते हो मनमोह में भालू बजने पी क्यों बैठे हो सगराम के तो ऊँडी कर नहीं हूँ ऊँडी देकर नहीं हूँ यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगो तो छोटा ठेको रेवन देला ऐसी दूर मेरे फूल तो फिर सी जीव मत भूले मन वो हमें भानु भजरे भी तो आगे ठिकाना और करना भगवान से परिचय कर लेना भगवान से अपना संबंध कर लेना है। कई वर्ष पहले मैं शंखवास गया तो शंखवास में कई कहे थारे जो राम कृष्ण है ना ये तो मारे पौड़ी आए थे हमारे तो ऊंचो दर्जो है वह मैं परमात्मा ने धवा में तो थे तो अठे ही रहो और मैं ऊंचा दर्जा हाँ और यू कहो सब मैं ऊंचा जाओ राम राम कर लिया तो रामचंद्र जी कृष्ण जी तुम्हारे पौड़िया है ठहरे हुए है अट गई जाओ था आपको आप तो ठीक ही जाओ हमारे राम कृष्ण पौड़िया है हमारे तो पौड़िया हुए पहचान मैं तो आगे चला जा हाँ अरे थे बार को बैर थार नहीं कंड रहा थे राम जी के कट जाए गाड़ी तो उस जाओ नहीं कोई थाने रोक ही थाने मानो को रोके नहीं क्यों हमारे जान पहचान है पहले से बोलो पर क्या दशा उसी राम ने उत्तर सुख दी हुई है ऐसा पानी है मानो राम कृष्ण तो ऐसा रहे बुरा है मन पहले खानी तो पहले खानी जाए था पहले कंठ में कंठ पकड़ी कंठ मणियों मर रही कोई दशा हुई शायद मैं राम जी हो शायद मारे बड़े बड़े पन है जो मन रोके कौन गला करो मैं प्रेम करा मड़काव ठीक है
बड़े ऊंचे से ऊंचा जो भेजा ठेरी दर्शन को, तो पहले से ही अपने तैयारी कर लो, वहां पर जाना है ठीक, बस फिर कोई बात नहीं है। हृदय धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत फल दे सूखा। चलो इस बात पर तो जड़े जानो है ठिकानों को पहले समझे, कल आगन ने छोड़ पचे कुंजाव ने तो आगन थोड़ा बार सुगर लेने अपने ठीक तरह से मौज से पसे कसे जाओ, कभी प्राण निकले वाली कोई हल वो नहीं। अब इस हिंदुस्तान का धीरा जीशु भगवान सो परम धाम से अपन पहचान हो गई, वहां जानो ये तो कबीरा शब्द के डर पे मरण से और मेरे मरण आनंद, क्योंकि कब मरिए कर भेटिए पूर्ण परमानंद, परमानंद प्राप्ति करनी है तो हम राठे खड़ा लेकर नहीं रहोगे घर से तो अच्छी बात है। विश्वास दे सब भाई बहन तैयार रहो, कपड़ा ठहरे तो थोड़ा दिन है, जैसे इस धाम में थोड़े समय के लिए आया हो ऐसे अपने अपने घर में भी थोड़ा समय के लिए आया हो, सदा रहने वाला नहीं आया अपने बिल्कुल कोई साधु क्या गृहस्थी क्या भाई क्या बहन क्या सब कोई भी थिर रहने वाला नहीं है, थिर नहीं आती थिर नहीं घोड़ा थिर नहीं दारी पुरुष का जोड़ा कबीर काया काची मन अथिर थिर थिर काम करंत, जो जो नर निधर काल हसंत, तुम निधर कैसे बैठा हो निश्चिंत या कैसे बैठा हो, डेरा ही लगा देगा बैठा मैं तो रह सकते रहने की बात ही होनी रीत वही रहने दी, आगे आवने वाले छोड़ दो और रोक नहीं पहले जगह तो पहले खाली करो तुझे लाल ला कर रही बच्चे बताओ ऐसे लाला बैठा रहे तो आज दिन क्या दशा होती, ठोड़ को नहीं मिल गई लाल बैठा रहते तो जब पहले चला गया जब अपन ठोड़ मिल गया जब वो तो बैठना हो तो अपन चला जाओ बिजली नहीं ठोड़ देनी है। इस वास्ते अठी जानो है आप बात मन से निकाल दो, जाट कहो भाई या तो जाटनी है जाटनी जाए टनी खींची जावे है खींची जावे है सोरी असोरी जाटनी है सब जाटनी जावे 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 अपने पहले हेलो मार दो कि मैं तो रेवाई बोली रेवाई नहीं रेवाई नहीं। हमारे एक साधु वो कहता शरीर राम से को दियो बोल जो हट को ना रखो नहीं रखो नहीं को नहीं हमारा राम तो निशान था जो सही गुरु था साधारण हो, वो कहता अगर राम जी शरीर तो को दियो नहीं जो मन तो राखो को नहीं छोड़नो यह मन तो बोलो पहले से कहते मार में आ रहा हूँ तो ठीक बात है अंत में राखन पड़े बोले राखो तो राख सको बोले तो ना तो जाने की इच्छा करनी ना रहने की इच्छा करनी कोई इच्छा नहीं करनी राम जी पर राख लो जाई विद राखे राम ताई विद रहिए तो सीताराम 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 कहिए भगवान की मर्जी दठ रखो थारी मर्जी में जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास। अपने क्या मतलब है किस दोष देश से काम है किस वेश से काम है किस लोग से किसी का काम नहीं, ठाकुर जी की मर्जी हो जो करो कितनी बट बढ़िया गा गई ठाकुर जी भी राजी हो जाए तो मार कड़ो माने है कड़ो नहीं माने जो कुछ छोरा अच्छा लगे क्या धन था नहीं थारो कड़ो नहीं माने है जो थारो छोरो अच्छा लगे क्या धन बुरो लगे कड़ी को मन नहीं तो राम जी राम छोरा छोरी छोड़ा राम जी कड़ो मानो राम जी रखेंगे वही रहेंगे जहाँ रखेंगे राम जी वही रहेंगे दास। अब एक दिन पक्का और बैठ गया डेरो लगा रखे मैं तो ठीक है सामने क्यों दस लौटे अरे भाई भला चलो है ही कौन नहीं अब मर्जी चलो राम जी अब चलाओ भाई भाई यार मैं तो मारो सब काम बने दो मैं तो अपने कर दिया सब मौत मजा तैयार बैठा हूँ जब क्यों चलो सही भाई चलो नहीं तो वो अब मारे हवालदार छोड़ नगरी अरे छोड़ नगरी रे हर्षा छोड़ नगरी हक माए हवालदार छोड़ नगरी दो या घड़ी ठहरो जम राजा दो या घड़ी ठहरो जम राजा माया पड़ी है मेरी बिखरी हरी हरी माया पड़ी है मेरी बिखरी आए हवालदार छोड़ नगरी आए हवालदार माया बिखरी पड़ी है तो किसी बिखरी रोज एक ठिकल था साधु तो एक कुंस हो जाए कुछ तो बिखरी हो जाए कौड़ी
एक ब्राह्मण शरीर रहा, चार भाई, एक ब्राह्मण, एक बूढ़ी ब्राह्मण, एक मेरे बेटो, एक मेरी बहू। तो बेटो है जो बीमार हो चल गयो, बेटो चल गयो तो बाप ने मन में आई कि ब्राह्मण नो जमारो है, भजस्मरण करना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय है, घर में शेष नहीं मरना था पहले, ब्राह्मण जात भजन कर मरता, क्षत्रिय ज्यादा लोग जंगल में चले जाता, दूसरा युद्ध में मरता, घर में रह रही झोंपड़े में मर के बारह दो बारह हो गए, ऐसे झोंपड़े में नहीं मर जाए नॉर्थ में ही हो, पर झोंपड़े में रहता कोई नहीं मरता, कोई नहीं घर में नहीं मरता भाई, बारह ही मरता, जो मर गयो वो मर गई हो, चल तू उठा चल दिए कर जाओ भजन कर आप तो साथ हो जाओ, मैं तो लोगों कह रहे छोड़ो मर गयो घर में पड़ी हो गए उठाओ कौन क्यों उठाओ नहीं तो उठा कठिन बाल नो है अठी पड़ी हो उठी पड़ी हो मर जाओ सब घर चाहिए जाए उठा लो, मन तो रहना हो नहीं मैं तो वही जाऊ बाबा जी बन गया साधु और ब्राह्मण और क्षत्रिय घर में बैठ जाठ ही कौन युद्ध कर सी तो साधु चलाई गया लोग कह रहे बेचारी दोनों अबलाओ बैठी है तो रहना चाहिए कि मारे वो ज्यादा जमा छोरे रही वो पहले ही चले गयो तो मैं पर क्यों कर रही हूँ कहना रही हूँ मैं तुम्हारा जाऊ वहां से चलती है अब घर देखे सो को चाहिए सो करो नहीं करो नहीं करो मर्जी वाली आप आते भाई तो अपने तो जानो है जानो है रहो नहीं जानो विश्वा पीस चार दिन रहे खाड़े कुड़बू था वे शीश वो खाते रहो कुड़बू था बैठा नारायण नारायण नारायण।